एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है, आज मेरे को जाना है डॉक्टर के पास, तो मैं आज जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। और तो बने रहिएगा मेरे साथ में और चलते हैं डॉक्टर। तो अभी चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिएगा मेरे साथ में लास्ट तक वीडियो में। चलो जी, देख सके कुछ लेना तो नहीं, तो तेरे को अपनी रिपोर्ट वगैरह तो ले। तो भाई फाइनली निकल चुके थे और अभी हम पहुंच गए हैं फेज टू, मयूरिया फेज टू। और यहाँ से हमें अभी लेना है मामी को, मेरी मामी यहीं पे रहते हैं, मतलब मामा मम्मी, मयूरिया फेज टू विनोद नगर में। तो उनको बुलाया है एक्चुअली, जहाँ मुझे जाना है। तो उन्होंने, उनको भी प्रॉब्लम है शुगर की, तो काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उनको कुछ मतलब रिलीफ नहीं मिल पा रहा, उनका प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैंने बोला कि आप एक बार हिम्स और दिखा लो। तो हिम्स के बारे में आप सब भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, जो मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे तो काफ़ी अच्छा है, आयुर्वेद में है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो अभी ये आ गए हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं, आ जाओ भाई। नमस्ते मम्मी, नमस्ते, राम राम। और मम्मी बढ़िया हो? होटल नजर लगा देना, उसको नजर दे दो। और मम्मी क्या हाल है? चलो भाई, तो अभी आ गए हैं, अभी चलते हैं हम लोग वहीं पे हिम्स हॉस्पिटल। हिम्स हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्लिनिक जा रहे हैं, तो क्लिनिक पे जाके मिलते हैं। तो अभी कुछ आराम नहीं लगा जो दवाई ले रहे हैं? है? लगता है खाते रहो तो वो ये आराम लगता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो भाई एलोपैथ का ऐसी है, वही है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, बट लेकिन जब तक दवाई खाओ, मेडिसिन लो, जब तक ठीक है, और उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो अभी इनकी प्रॉब्लम इतनी हो गई कि शुगर ना, शुगर लेवल इनका बढ़ता जा रहा है, मतलब वो 300-400 से नीचे नहीं आ रहा है ना, 300-400 ही रहता है, मतलब इतना ही रहता है इनका। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं। अभी फाइनली पहुंच गए हैं और ये यहाँ पर है कुंदन नगर, लक्ष्मी नगर में है ये, देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है। बहुत लोग इनको जानते भी होंगे, तो इनके क्लिनिक पे ही आई हूँ मैं अभी। तो चलो चलते हैं, चलो। क्या बताया? 83 ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो तभी तो कह रहे हो फिर लिफ्ट से चलना तो बेकार है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्लोर है। इनके लिए बोल रहा हूँ, मैं पैसे लग रहे हैं, यही वाला है, आ जाओ। आज कोई कैंप लगा हुआ क्या? तो भैया मिलते हैं फिर आपसे। तो अभी आ गए हैं क्लिनिक पर, देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग चल रही है अभी। देखते हैं वेटिंग में। तो अभी हस्बैंड कर रहे हैं कंफर्म, हम लोग कर रहे हैं वेट। देख सकते हैं इसको कितनी गहरी नींद आ रही है, इस पर्सन को क्लिनिक में बैठ के सो रहे हैं। सो गाइस, खा रहे गोलगप्पे। हेलो भाई, हमें वीडियो बनाने के लिए छोड़ दिया और खुद गोलगप्पे लपेट रहे। मामी आलू छोड़ के बिगड़ गोलगप्पे खा रही है पानी के, और हम ले रहे टेस्ट, खाओ आप भी खाओ गोलगप्पे। तो अभी भाई दो लोग रह गए थे गोलगप्पे खाने से, वो लगा हुआ है लास्ट तक हम लोग। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली आज था कैंप, हमें नहीं पता था, शिष्का आएगा नहीं था कि कैंप में फ्री होता है। अभी इन्होंने रेफर कर दिया इनके दूसरे वाले क्लिनिक पर, यहाँ पर स्लॉट फुल हो गया था, तो अभी दूसरे वाले क्लिनिक पर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर तो आ गए हैं, एक्चुअली उसने बताया था कि लवली पब्लिक स्कूल के साइड में ही है क्लिनिक,
तो ये लवली पब्लिक स्कूल है, लवली पब्लिक स्कूल के सामने तो हम आ गए, बट यहाँ पर कहाँ है ये कंफर्म करते हैं। ये लक्ष्मी नगर मंगल मार्केट पड़ता है ना, वहीं पे ही है ये। ये सीधा आप यहाँ से निकलोगे ना तो सीधा मेन रोड आ जाएगा, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। ये रहा लवली पब्लिक स्कूल। तो ये आ गया लवली पब्लिक स्कूल। लवली पब्लिक स्कूल के जस्ट साइड में बोला है, तो अभी चलते हैं वहाँ पर। भाई वहाँ पर हमने गाड़ी लगा दी थी पार्किंग में, बड़ी मुश्किल से तो मिला स्पेस, बट लेकिन वहाँ पर था ही नहीं। अब पता चल रहा है कि हम जो स्कूल का बैक साइड है वहाँ पर हम लोगों ने लगाया, वहाँ पर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर था ही नहीं। तो अभी हमें जाना है, यहाँ से निकल रहे हैं हम। इसका जो फ्रंट है ना स्कूल का, फ्रंट के साइड में ऐसा लग रहा है वहाँ पर हम दरवाजा रास्ता बंद। हाँ मुझे लग रहा है रास्ता बंद है, सही कह रहे हो, रास्ता बंद लग रहा है। फिर उसका फ्रंट किस साइड से हुआ जो भी है, लेकिन निकलने कहाँ से हुआ ये बात पूछना पड़ेगा फिर। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, हाँ यहाँ से निकालो। बताओ कहाँ गाड़ी वहाँ पर पार्किंग में बोल रहे थे, उसे पता नहीं कितना दूर पड़े। और अभी मैंने तो टेस्ट करवा लिया और अभी ये ले रहे हैं मेडिसिन, दवाई मेरे लिए। और अभी अभी मामी गई हैं अपने चेकअप के लिए, तो वो आती है देन फिर उसके बाद मैं लेती हूँ। हमने भी नहीं ली ना भाई भाई यहाँ पर आए तो जरूर थे दवाई लेने के लिए, बर्तों का रेट बता भाई। आज कैंप लगा हुआ था यहाँ पर सुनो, और कैंप पे हम आए थे, मान ला चलो ठीक है कैंप है और दवाई भी आएगी तो क्या दिक्कत है, दवाई ले लेंगे भाई। दवाई का सुना रे, आगे दवाई थी 8,500 की मेरी एक महीने की, और इनकी थी 10,500 की एक महीने की। हमने बोला टाटा बाय बाय हम घर चलते हैं हम ऐसे ठीक हो जाएंगे रेट सुन के हम लोग क्लिनिक से बाय बाय कर दिया हमने ऐसे तो मैं फिट वैसे ही इससे और कमजोर हो जाऊंगी। क्या बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे एक महीने की दवा रखवा दी पैक करवा के, मैंने बोला रैंडम में ऑनलाइन मंगा दूंगी तुम दे दो तो फिर हमने वापस करी और हम आ गए। तो अब हम निकल गए घर के लिए। तो भाई इंजॉय करना इस वीडियो को देख के, और जिसको पसंद आए वो लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना मामी? हाँ। बोल दो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और भाई यहाँ पर हिंट्स में जो है ना वो सोच लेना पहले आने से पहले ये ना पानी पी रहा था और पानी बेचारे का पानी मुंह से बाहर आ गया क्या रहा भाई इसको रेट बताए कि है ना दवाई का रेट है 9,500 रुपए 10,500 रुपए सॉरी, इसके मुंह से पानी बाहर आ गया जेब में नहीं पड़े 10 रुपए 10,500 तो भाई अब हमने कर दिया। चलो ये व्लॉग तो ये व्लॉग इतना ही भाई, अगर एंजॉय करें एंजॉय करिए इस व्लॉग को देख के, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर से आऊंगे एक नई वीडियो के साथ, फिर जाऊंगी कहीं और फिर आपसे मिलूंगी। चलो बाय बाय चलो ठीक है बाय टाटा, आएंगे बाद में, आऊंगी देखने के लिए, नहीं अभी नहीं अब बाद में आऊंगी। हाँ ये वो स्कूल से जाने के बाद ऑफिस चले जाएंगे, उस दिन आऊंगी फिर आराम से 2-4 घंटे के लिए। बाय हाँ चलो बाय बाय चलो भाई। तो अभी कर दिया इनको बाय बाय, और अभी हम चलते हैं यार घर। आज ना
टाइम भी ज्यादा हो गया, 3-4 घंटे लग गए हमें, 4 घंटों में किया गया हमने। खाली हाथ आ गया, खाली हाथ आ गए भाई। हिम्स, अगर किसी भी हिम्स के हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाना, सोच समझ के जाना, पॉकेट में 10,000 रुपए लेके जाना। कंसल्टेशन फीस तो 500 रुपए, 500 है ओनली, बट लेकिन जो दवाई है ना, मेडिसिन, वो बहुत कॉस्टली है। तो भाई हमने तो ली नहीं, हमारा फीडबैक तो ये है। अब देखते हैं कुछ वैसे और सॉल्यूशन करेंगे। चलो जी, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग को करते हैं अलविदा, बाय बाय करो सबको, एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो मेरी ऑडियंस को, कोई सुन ले तो। गाइस सब्सक्राइब करना बिचारी का चैनल, बिचारी सब्सक्राइब कर देना प्लीज।